दोस्तों, बोस्निया और हर्जेगोविना सुनने में दो देश लगते हैं, लेकिन असल में ये एक ही देश है और यह देश आता है यूरोपीय महाद्वीप में, जिसकी महिलाएं सबसे सुंदर होती हैं। यहाँ पर एक आदमी ने लाखों महिलाओं का बलात्कार भी किया था, लाखों लोग मार दिए गए थे। इसके बावजूद आज यह देश तेजी से विकास कर रहा है। बोस्निया और हर्जेगोविना का मानचित्र त्रिकोणीय है, जिसकी सीमाएं पश्चिम और दक्षिण में क्रोएशिया, पूर्व में सर्बिया, दक्षिण पूर्व में मोंटेनेग्रो के साथ एडरियाटिक सागर से लगी हुई हैं। इस अनोखे और सुंदर देश की कुल आबादी लगभग 33 लाख के आसपास है, जिसमें 51% मुस्लिम, 31% ईसाई और बाकी 18% में अन्य धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। 1 मार्च सन 1992 को यह देश अपनी आजादी मनाता है। इससे पहले यह देश यूगोस्लाविया का हिस्सा हुआ करती थी। इस छोटे से देश में देह व्यापार कानूनी रूप से मान्य है और यहाँ की खूबसूरत 8,000 महिलाएं इस काम से जुड़ी हुई हैं। बोस्निया और हर्जेगोविना के अगर एरिया की बात की जाए तो यह देश कुल मिलाकर फैला हुआ है केवल 51,157 वर्ग किलोमीटर के एरिया में, और यहाँ कई सुंदर शहर हैं। पर बात जब इस देश के सबसे प्रमुख सिटी की होती है तो नाम आता है राजधानी साराजेवो का, जिसे इस देश की सबसे बड़ी सिटी होने का सम्मान भी हासिल है। पैसे के रूप में यहाँ बोस्निया हर्जेगोविना मार्का चलता है, जो भारतीय रुपए में लगभग 43 रुपए के बराबर आता है। दोस्तों, इस देश में तीन प्रमुख समुदायों के लोग रहते हैं, पहला कुराज, दूसरा मुस्लिम और तीसरा सर्ब। जब 6 जुलाई साल 1991 में यहाँ पर गृह युद्ध छिड़ा था, तब कई मासूम और बेकसूर लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी, और सर्बिया की सर्व सेना ने यह काम किया था। उसका कमांडर था राकडोर मलमित। इसके नेतृत्व की सेना ने 1 लाख से भी ज्यादा मासूम लोगों का बलात्कार कर उनकी हत्या कर दी थी, और ये सब चलता रहा 6 जुलाई से 20 जुलाई 1995 तक। इतना सब झेलने के बाद इस देश को दो हिस्सों में रखा गया है, जिसके एक हिस्से में कुराद और मुस्लिम लोग रहते हैं और दूसरे हिस्से में सर्बियन आते हैं। सर्ब हिस्से को सर्बिया की सरकार सपोर्ट करती है। इतने बुरे दौर से गुजरने के बाद भी सर्बिया आज खूब तेजी से विकास कर रहा है, जिसमें यहाँ टूरिस्टों के आने की रुचि भी काफी बढ़ी है। इसकी वजह है बोस्निया की प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ के झरने, यहाँ की इमारतें और यहाँ की संस्कृति लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। आपको एक तरफ तो यहाँ सादे लिबाज में पहने महिलाएं नजर आएंगी, तो वहीं दूसरी तरफ आपको एकदम बोल्ड संस्कृति वाले लोग भी देखने को मिलेंगे। राजधानी साराजेवो के अलावा यहाँ के कुछ प्रमुख और सबसे सुंदर शहर पोस्टर, माजा लुका, कुजला, ट्राम्बिक, विहग, ब्रिजडोर, बिजेलिना, जेनिका और काजिम है। यहाँ के झरनों को दुनिया के सबसे खूबसूरत झरनों में भी गिना जाता है। एक तरफ तो झरनों की सुंदरता और ऊपर से आप बोस्निया की हसीन परियों को इसमें खेलते हुए देख सकते हैं। बोस्निया की नाइट लाइफ के भी अलग ही नज़ारे हैं, जिसमें आपको सड़कों पर भारी संख्या में लोग मजे करते हुए दिखेंगे। बोस्निया का रहन सहन दुनिया की बाकी कंट्रीज से काफी अच्छा माना जाता है। इस देश की संस्कृति, पहनावा और विचित्रता दुनिया के अन्य हिस्सों से इसे अलग बनाती है। यही सब कारण है कि साल 2006 और 2010 में लोनली प्लैनेट के जरिए इस देश की राजधानी साराजेवो को दुनिया के सबसे सुंदर और आकर्षणीय शहर का दर्जा दिया गया था। साराजेवो ही यूरोप का वो पहला शहर है जहाँ 1885 में नियमित रूप से इलेक्ट्रिक ट्रैम को चलाया गया था। यूरोप के सबसे बड़े जंगलों में से एक जंगल इस देश में भी देखने को मिलता है। बोस्निया में फोन कॉल करने से पहले आपको +387 लगाना होगा, जबकि यहाँ पर गाड़ियाँ राइट हैंड साइड पर चलाई जाती हैं। दोस्तों, इस देश की करेंसी को बाहर नहीं ले जाया जा सकता, इसकी करेंसी को केवल यहीं पर बदला जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा बोस्निया और हर्जेगोविना की ये वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।